हाय एवरीवन, वेलकम टू रेसिपीज एंड व्लॉग विद स्वाति। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ टू बेबी फूड रेसिपी, जिनको आप 6 मंथ प्लस बच्चों को आसानी से दे सकते हो और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो चलिए करते हैं इसको बनाना स्टार्ट। सबसे पहले एक पैन में मैं लूँगी 1 to 2 tablespoon देसी घी का। यहाँ मैं काओ मिल्क का घी ले रही हूँ और इसमें मैं डालूंगी, जैसे घी हमारा मेल्ट हो जाएगा, इसमें 4 to 5 tablespoons में सूजी के डाल दूंगी। अब हमें इसे रोस्ट करना है। फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे। हम इसको रोस्ट करते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली चलाते हुए जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। सो जैसे इसका कलर चेंज होगा मैं इसमें डालूंगी 1 glass पानी का। सो पानी को हमें धीरे धीरे करके डालना है। जैसे ये थोड़ा सा सोक कर लेगा पानी को, इससे आपकी सूजी जो है बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और बच्चों को खाने में बहुत आसानी होगी। तो सूजी को बच्चों के डाइट में ऐड करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये बच्चों में हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज़ करती है और डाइजेशन में बहुत इजी होती है, कॉन्स्टिपेशन से बच्चों को रिलीफ देती है। सो इसमें अब मैं डालूंगी 1 tablespoon शुगर। सो अगर आपका बच्चा 1 year से छोटा है तो आप शुगर को अवॉइड कर सकते हो या थोड़ी सी शुगर दे सकते हो। अब मैं डालूंगी यहाँ पे 1 glass दूध का, जो अराउंड 250 ml है। इसको हम मिक्स करेंगे सो दैट इसमें कोई लम्स ना रहें और सूजी बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर की बन जाए। सूजी बच्चों को टेस्ट में भी बहुत अच्छी रहती है। इसमें प्रोटीन बहुत हाई होता है, विटामिन्स बहुत हाई होते हैं। सो ओवरऑल सूजी जो है वो एक सुपर फूड है बच्चों को देने के लिए 6 month प्लस बेबीज के लिए। सो जैसे अब इसमें बॉईल आ जाएगा मैं यहाँ पे डालूंगी पिंच ऑफ इलायची पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है इसकी। सो इसको डालेंगे हम इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे और गैस हम कर देंगे बंद। सो ये सूजी की खीर बिल्कुल रेडी है और बच्चे की डाइट के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी हम देंगे। सो नेक्स्ट रेसिपी है रागी मील की रेसिपी, जिसके लिए मैं डाल रही हूँ 1 glass ऑफ वाटर। हमें इसे अप्रॉक्सीमेटली 250 ml पानी है ये, और इसको हमें हल्का सा बॉयल करने के लिए छोड़ देना है। और जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे 3 tablespoon रागी फ्लार के। अब हम इसे कॉन्टिन्यूसली विस्क करेंगे क्योंकि रागी में लम्स बहुत जल्दी बनते हैं। और रागी को बच्चों को देने का बेनिफिट ये है कि ये बच्चों की बॉडी को ठंडा रखता है, डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है और इसको खाने के बाद बच्चों की जो छोटी सी टमी है वो काफ़ी देर के लिए फुल रहती है। सो इन ऑल जो है रागी एक बहुत ही हेल्दी मील है। तो यहाँ पे मैं इसको विस्क करूँगी और जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा मैं लो फ्लेम कर दूंगी और यहाँ पे पानी डालेंगे हम अपनी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करते हुए। सो बेबी अगर 6 to 8 month का है तो हम उसको थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी वाला देंगे, अदरवाइज उससे बड़े बच्चों को हम थोड़ा सा गाढ़ा भी दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड 4 to 5 drops ऑफ देसी घी। सो देसी घी बच्चों को देना बहुत ही ज़रूरी है, ये उनकी डाइजेशन में हेल्प करता है, गुड फैट्स देता है बॉडी को और बॉडी को अंदर से गर्म रखता है। सो 1 year से बड़े बच्चे को हम 1 tablespoon घी दे सकते हैं और 1 year से छोटे बच्चों को हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ घी देना बहुत ज़रूरी है उनकी मील में। सो ये रागी है बिल्कुल रेडी और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इसको छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे आने के लिए एंड देन सर्व करेंगे इसको बेबीज को। सो अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे इन अनदर वीडियो विद मोर हेल्दी रेसिपीज़।